हमरी कोनो बात बुरी लग गई हो तो क्षमा कर दीजिएगा छोटे ठाकुर। अरे नहीं लाली, हमको कोनो बात का बुरा उरा नहीं लगा, खाली तुमको जब तकलीफ में देखते हैं तो हमको बहुत तकलीफ होती है। हम चाहते हैं तुम खुश रहो, आराम से रहो। हम तो इसलिए परेशान थे कि हमको लगा कि तुम फिर से वो ऐसा बात बोलेगी जिन बात का कोनो मतलब नहीं बचा। तुम समझ रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? हम जानते हैं छोटे ठाकुर, जानते हैं कि आप हमेशा हमको खुश देखना चाहते हैं। बाकी अब हमारी खुशी खाली ई बात में है कि आपके मन में कौनो तकलीफ कौनो दुविधा ना रहे। और ये तो तभी होगा ना छोटे ठाकुर, जब हम सबके सामने ये साबित कर दे कि सही में उरात का हुआ था। हम जानते हैं अपने को निर्दोष साबित करने के लिए खुद सबूत खोजना पड़ेगा, लेकिन हम ये करेंगे चाहे हमको कुछ हो जाए। जमुनी सुन, ए तुम देखी का नीचे कोठरिया में शेखर और चिड़ैया के बीच में क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है कुछ तो बता, जान निकली जा रही है हमारी। वो बतिया रहे कि लड़ाई हो रही है। डिसुम डिसुम ए जमुनी इधर देख, इधर देख, क्या हुआ? ऐसे काहे लग रही हो? अच्छा अच्छा तुम एलिए ऐसी हो गई हो ना, काहे कि चिरैया और भाई जी। अरे पगलिया, तुमको क्या लगा था कि तुम ये हवेली में आओगी? ठाकुरायन बनने का सपना देख रही थी। अरे मर्द लोगों का क्या है, वो तो मौसम के जैसा रंग बदलते हैं। हाँ हमरे पापा यही बताए थे और कह रहे थे कि छोटे लोगों का ना कौनो भरोसा नहीं करना चाहिए। हाँ अब देख लो, अपनी आंखों से देख लो, ऊंची रैया दी ना शेखर को धोखा। बाकी हम शेखर को ये बात का दुख मनाने का वक्त तो दे ही दिए हैं। का है ना इस सब मामले में हम बहुत ही चतुर चालाक हैं। अच्छा चल खाना लिया हमारा। ये मैं सनक गई है, तुम काली नहीं इसका टाका किसी और के साथ बढ़ा देती हो। ट्राई करो जरूर कुछ हो जाएगा। इतनी सुंदर है कोई ना कोई तो फंस ही जाएगा है ना? आप सही कह रही है चुटकी दुलीन। बाकी ये बात सही है कि उचरई शेखर बबुआ जी का बच्चा नहीं पैदा करेगी, वो तो किसी और का बच्चा पैदा करेगी। और ये बात भी बाकी सही है कि शेखर बबुआ जी को आपसे वारिस नहीं मिलने वाला। ये बात भी सही है कि हमरे जमुनी तो है ही बहुत ही खूबसूरत, तो का शेखर बबुआ को फंसाने के लिए टरायल मारे हमरी जमुनी? अरे चिंता काहे कर रही छिटकी दुल्हन, हम तो खाली मजाक किए। मजाक
हमको ये सब करना अच्छा नहीं लग रहा है छोटे ठाकुर। बाकी क्या करें, करना तो पड़ेगा ही ना। आशा करते हैं आप हमको क्षमा कर देंगे। कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम है क्या नाव की दुल्हन? और भी बकत देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि खाली मंदिर तक टहलने जा रही हो। हालात हैं और जो हालत है आपकी, ये हालत में हम आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं ना दे सकते। काय से कि हवेली होने वाली बारिश की हम बढ़िया देख रेख करना चाहते हैं, और ये तभी हो सकता है जब आप हमारी निगरानी में रहें, पूरी सुरक्षा करना चाहते हैं। अली, यहाँ क्या कर रही हो? बाहर जा रही थी। समझाओ इन्हें, अभी तो यात्रा करके आई हैं। हम इनको अच्छी तरह समझा दिए बबुआ कि बाहर नहीं जाएंगे, और आपको भी अब ये काम करना पड़ेगा। अरे ध्यान दीजिए बबुआ, क्या ऐसी हालत में जब इनके कोख में हवेली का बारिश पड़ रहा हो? हवेली का बारिश? ये सब काम हो रहे ठाकुर साहब? हमरे पेट में कोनो बच्चा उच्चा नहीं है। बहुत हुआ, बस हम इस पर और ज्यादा बहस नहीं करना चाहते। पंडित जौन कहे हैं वो हमरे खातिर पत्थर का लकीर है। ऐसा काहे कर रहे ठाकुर साहब? हम बता रहे हैं कि ऐसा कुछ। नाव की दुल्हन को अंदर लेकर जाओ। ए, छोड़ो, हटा, हटा। लाली, अंदर जाओ। बाकी छोटे ठाकुर हम? हम कह रहे ना अंदर जाओ। बबुआ, अगर यही मर्दान की तुम पहले दिखाए होते बबुआ, तो तुम्हारा भाई रणविजय ऐसी हरकत करने की हिम्मत नहीं करता। यह क्रोध अपने अंदर बनाए रखो, और याद रखो दोबारा ऐसी बेवकूफाना हरकत नहीं करोगे अगर नव की दुल्हन को अपने साथ रखना चाहते हो तो। कायसे की बात तो पक्की है,
और दिल ही दिल में तुम भी जानते हो किरण विजय नौकी दुल्हन पे अपना हक जतलाने की कोशिश कर रहा है, और अब जो कुछ भी हुआ है ओकरे बाद तो हम रण विजय का पक्ष में खड़े रहेंगे। ऐसे चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा छोटे ठाकुर, चुप रहने से खाली बहुत बोली और आगे हम कुछ नहीं सुनना चाहते। लाली काहे नहीं सुनना चाहते? हाँ हम चुपचाप बैठे रहे और झूठ बोलने वाले का जीत होता रहे, चाहते कहाँ है आप हमसे? यह चाहते हैं कि ये सब बात अब खत्म हो। नहीं जानती तुम हमारे बाप को, बहुत दिन से बारिश बारिश चिल्ला रहा है, पगलाया हुआ है बारिश के लिए, ओकरे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम्हारी जो भी बेइज्जती हुई है वो हम खाली इसलिए नहीं रोक पाए कहे कि हम खुद बेहोश थे। तुमको हम पहले भी एक बार खो चुके, दोबारा खोने की हमारे अंदर हिम्मत नहीं है लाली। बाकी आप हमको खोने थे छोटे ठाकुर, आप ही तो थे हमारे साथ और यही हम सबको बताना चाहते हैं। ये सबूत खातिर तो हम बाहर जा, क्या जरूरत का ये सब करने की? बेमतलब का पचड़। ठीक है, बाहर वहां नहीं जाएंगे। बाकी झूठ पर से पर्दा हम हटा के रहेंगे। और वो भी हम रणविजय ठाकुर के रास्ता पे चल के ही करेंगे। हम इस समय कौनो जोखिम नहीं ना उठा सकते, काहे कि ये छोटी मोटी बात नहीं ना है, हवेली की बारिश का सवाल है। कैसे हो बाबू? दीपक बाबूजी गायब लाए। हमको क्या पता, हमको कुछ बताते हैं का? लाली कहाँ है? आ रही। बबू हम जानते हैं तुम्हारे पर कहाँ गुजर रही है। देख रहे हैं तुम खुद ही चल के आ रही हो, तुमको चिकोटी काट के देखें कहा। तुम हमसे बोली थी सबके सामने सच्चाई बोल दो, सच्चाई बोल दोगे? ये सब तुम बोल तो सकती नहीं, बाकी खट्टा खाने का मन हो रहा है का? वैसे हम अचार बचार सब भिजवाए देंगे, हवेली को बारिश देने वाली हो, एक खानदान को जो हमारा बारिश कहलाएगा, रण विजय ठाकुर का बारिश। आज हम एक ऐसा गोटी फेंकने वाले हैं कि तुम और शेखर हमेशा अलग अलग हो जाओगे, हमेशा के लिए। अच्छा नहीं लग रहा है काहे कि एक भाई का बच्चा पेट में लेके दूसरे भाई के साथ रहो तो शोभा नहीं देता लाली।
अरे आ जाओ भाई, सब लोग यहाँ आंगन में आ जाओ। जल्दी आपको पता चल जाएगा रणविजय ठाकुर कि हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो हम भी कैसे आपको नचनी का नाच नचाते हैं देखिएगा। ओम परा परे परो सह सनिश्चराय नमः। ओम परा परे परो। मैं आप सबका परिचय करवा दूं। सनिश्चराय नमः। यह बहुत बड़े तांत्रिक बाबा, देवघर में मुलाकात हुई थी इनसे और ये वक्त हम इनको बहुत खास अवसर बुलाया है। बाबा ये है नौ की दुल्हन। इनके और इनके बच्चे की सलामती के लिए नजर उतारने की रस्म पूरी करनी है आज आपने बाबा, जिनसे इनकी बहुत सुरक्षा रहे और हवेली के बारिश की भी। इधर आ बच्चा। ये धागा तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए भूत पिशाच और नजर दोष से तुम्हारी रक्षा करेगा। तो ये उस शैतान से भी हमारी रक्षा करेगा का महाराज, जो इंसान के रूप में आता है? ये कैसा सवाल है? कोनो बात नहीं, और अच्छा से तो हम अपने निपट लेंगे, उसके लिए कोनो धागा उगा का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहे कि हम अपनी और हम अपने बच्चे की जो जब पैदा होगा उसकी सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं। धागा उनके खाते रखिए जिनको हमसे खतरा है।